जनपद कार्यकर्ता, जनपद का अध्यक्ष है, सरपंच है गांव का, उसको झूठा मुकदमा उसके खिलाफ, राजकुमार के खिलाफ लगा दिया है और पिछले एक माह से जेल की सलाखों के पीछे उसको रखा हुआ है। ये जाति हो रही हमारे लोगों के साथ सुर्खी और इस जिले में, लेकिन डरना नहीं, दूसरा लिया है, दूसरा लेकर आया था घर से। मैंने कहा गाड़ी में चार छह रखे हुए, जरूरत पड़ सकती कभी भाई पीछे, तो इनसे बिल्कुल नहीं डरना है। हम आपके साथ खड़े हैं, माननीय हमारे महासचिव हमारे साथ में है, कमलनाथ जी, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस चुनाव में भाग लेगी। तमाम हमारे सुर्खी के साथियों से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय और तमाम हमारे संगठन के साथी, युवा कांग्रेस के साथियों, इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपके साथ इस लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। समय आ गया है, देखिए भगवान के हाथ। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ही महत्वपूर्ण सभा है और हम सब सुरजेवाला जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन दो चार बातें इस अवसर पर करना जरूरी भी है। सागर जिला मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में कई मामलों में नंबर एक हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया बताइए। अब कुछ मामलों नंबर ही हो गया है। आदरणीय भाई साहब, इस जिले में एक त्रिदेव की जोड़ी बनी है, बनी कि नहीं बनी? जोर से बोलो, मैं सुनाई नहीं देता मेरे को, मेरे कान खराब है थोड़े से। सही बनी, बनी कि नहीं बनी? त्रिदेव की एक, पहले दो थे, एक उसमें शामिल हो गया है, अभी अभी शामिल हुआ है दो एक साल पहले। भाई साहब, यहां तीन मंत्री हैं और तीनों मंत्रियों में बनती नहीं है। अरे बनने की छोड़ यार, तू कितना लेना, ये अभी चल रहा है उसमें कॉम्पिटिशन आपस में। तीन मंत्री इस जिले में है और तीनों में भारी कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन किसने बताया, किस बात पर कॉम्पिटिशन चल रहा है, मैं कितना कहां से निकालूं? एक कहता है यार अपना तो 30% में मामला चल जाता है, दूसरा करता ये 30 ही ले रहा है, रैली वालों में 40 लूंगा, और सुर्खी वाले ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनका काम 50% से कम में नहीं होता है, इनको 50 ही चाहिए, उससे कम में इनकी दाल का जो कमीशन हो ना आ जाए घर में। और पप्पा सुनो पप्पा, तो ये त्रिदेव इस जिले में कोई ऐसा काम नहीं है जो ये तीनों नहीं करते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे रोक सकते हो। बजरी का काम इनको करना सही कि गलत है? शराब का काम इनको करना है सही कि गलत है? अबे जुआ सट्टा हमको चलाना है सही कि गलत है? और इस जिले में तो मुझे कहने तो पप्पा यार, इस जिले में कोई भी सरकारी ठेका
इन तीनों के अलावा चौथा नहीं ले सकता, और भूल से मिल भी जाएगा वो तो उसको काम छोड़कर भागना पड़ता है, वो इस जिले में काम नहीं ले सकता। तो अब क्या कर रहे हैं इनका इस बात का इलाज करने और क्या करना है इलाज करने भैया इलाज करना है ना वोट के माध्यम से इन तीनों का ही इलाज करना है और इलाज हम तो करेंगे ही। मैं एक लाठी में लाया था भाई साहब, मैं गाड़ी छूट गई मेरी भैया, आधा लाठी लेके चलना जरा आज तेल वारी कहीं रखी तो ले आ रहे उनको बोलन दे यार तेल पिला लो खाए हैं और अपन तो गाय भैंस वाले हर घर में लटिया है कि नहीं पप्पा? अरे भैंस चराने जाते हो खेत जंगल तो लटिया को लेके जाना पड़ता है और जब दिवाली आते तेल पिलाते हैं सरसों का बढ़िया उसको और फिर भैंस का दूध भी निकालते लठिया तुम्हारे पास है। अब लठिया में झंडा कांग्रेस का लगाना है, लठ में झंडा डंडा हमारा है, झंडा कांग्रेस का है और जब किसकी जरूरत पड़ेगी उसका उपयोग समय पर कर लेंगे, उसमें कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं। हर घर में अपने हमारे हर घर में मिलेगी, इलाज पक्का करेंगे 1000% इलाज करेंगे इनका, तुम लोग घबराना नहीं। हमारा एक साथी अभी भी जेल में माननीय महासचिव महोदय, मैं उस दिन यहां से निकला तो थाने पे उसको बिठा लिया, हम लोग गए से मिले और मुझे आश्वस्त किया कि 3 दिन में छोड़ेंगे। आज महीना वर्ष ऊपर हो गया नीरज भाई, नहीं नहीं महीने वर्ष ऊपर कहा है वो भाई आया उसका, ये बेटा बैठा है हमारा एक कर्मठ कार्यकर्ता, जनपद का अध्यक्ष है, सरपंच है गांव का, उसको झूठा मुकदमा उसके खिलाफ राजकुमार के खिलाफ लगा दिया है और पिछले 1 माह से जेल की सलाखों के पीछे उसको रखा हुआ है। ये जाति हो रही हमारे लोगों के साथ सुर्खी और इस जिले में, लेकिन डंडा नहीं, दूसरा लिया मैंने कहा गाड़ी में 400 रखे हुए जरूरत पड़ सकती कभी भाई पीछे तो इनसे बिल्कुल नहीं डरना है। हम आपके साथ खड़े हैं, मादी हमारे महासचिव हमारे साथ में है, कमलनाथ जी पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस चुनाव में भाग लेगी। तमाम हमारे सुर्खी के साथियों से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय और तमाम हमारे संगठन के साथी युवा कांग्रेस के साथियों, इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आपके साथ इस लड़ाई में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। समय आ गया है, देखिए भगवान के हाथ देर अंधेर नहीं है और अतिकांत एक दिन जरूर होता है, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब अति होती किसी चीज की तो उसका अंत ऊपर वाला खुद करता है, हमें उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमारा संघर्ष जारी रखना है, मैं बस ये मैं आपसे कहना चाहता है, मैं उनका दिल से आभार। तेरा बेटा नीचे कर दो जरा, ही रख दो बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैं आदरणीय सुरजेवाला जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ये जन आक्रोश यात्रा समूचे मध्य प्रदेश में अपने अंतिम चरण में है और जनता का आक्रोश सड़कों पर नजर हमको आता है। कल रात को सागर में 12 बजे तक हम लोगों ने जनसंपर्क किया और सागर शहर में ऐतिहासिक हमारे जन आक्रोश रैली का स्वागत कर रात के हमारे साथियों ने किया, मैं सागर के साथियों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर बहुत अधिक समय न लेते हुए लोगों ने अपने सराफों पर बिठाकर रखा है और ये हमारे साथी हम लोग पूरी ताकत से
इस चुनाव के लिए भाग ले रहे हैं क्योंकि साहब को जल्दी जाना है, उनके आगे मीटिंग का इशू है। मैं आदरणीय सुरजेवाला जी से शीघ्र उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में आए और हम आशीर्वाद दें आदरणीय सुरजेवाला जी। वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कमिटमेंट इंश्योर्स दैट ईच स्टूडेंट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम स्कूल हैज लैब्स इंक्लूडिंग फिजिक्स लैब बायोलॉजी लैब केमिस्ट्री लैब कंप्यूटर लैब एंड बुक लाइब्रेरी ब्यूटिफुल 13-acre कैंपस टू स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्ले विथ मैग्निफिसेंट मॉडर्न फैसिलिटी एंड ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.